पे विजुअल्स लेंगे, यहाँ ले लीजिए। अच्छा ये अनीता के आने के बाद करना है, कहाँ इबू इबू को बुलाओ ना, अंशु इबू को बुलाओ। ये अनीता के आने के बाद करना है, अभी करें अनीता के आने के बाद करना, अभी करें। आइए हाँ जी, ओके सो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ। बेसिकली इतना सारा प्यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑडियंस से भी, ऑफ कोर्स जो मेरे को मिल रहा है, पीड़ मेरी को मिल रहा है। और मेरा पहला गाना तो एक होता ना, जब आप पहले पहले कोई नया नया काम करते हो आप श्योर नहीं होते हो कि यार किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अब अपने बच्चे को तो आप, मेरे फ्रेंड्स मेरे घर वाले वो तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को कैसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, जो जिस रेशियो में व्यूज़ आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। सिंगिंग का पैशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे आया ये दिमाग में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सिंगिंग मेरे बचपन से ही दिमाग में थी, मतलब एक्टिंग नहीं थी, सिंगिंग थी। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से मैं गाने लिख रहा हूँ। एंड मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, आई हैव मोर देन 150 कॉम्पोजिशंस रिटन एंड कम्पोज बाय माय सेल्फ। अभी मैंने एक ही रिलीज़ किया है, मेरे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे व्यूज़ के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू बताइए। आई विल डेफिनेटली कीप ऑन डूइंग दिस वर्क एंड दिस इज समथिंग आई लव डूइंग, तो मैं रोज़ भी कर सकता हूँ। एंड लिरिक्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, यू नो लिरिक्स कब से स्टार्ट की थी लिखना, पहले से था लिखा हुआ, उसे अब वर्कआउट किया है, या फिर यू नो वर्कआउट करके डिसाइड किया कि अब मुझे इस गाने को बनाना है, किस तरीके से लिरिक्स पर काम किया है? पीड़ मेरी की अगर आप लिरिक्स पूछेंगे तो मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, हार्डली 15-20 मिनट में लिख देते गाने। ऐसे ही बनते हैं, अगर आप म्यूजिशियन से पूछेंगे ना, वो एक वक्त होता है जब आपका मन करता है, कोई एक पर्टिकुलर सोच आती है आपके दिमाग में, उस सोच पे आप गाना लिख देते हैं। 15-20 मिनट में गाना लिखा जाता है, गाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब मुझे नहीं लगा और वो लिखे गए। बट इतने सारे पुराने गाने मेरे लिखे हुए हैं जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, तो ऐसा भी होता है। जी नहीं, बस दिल किया, ऐसा कोई मोटिव नहीं था, बाकी किसी के बारे में सोचा नहीं, साथ बैठे हुए थे, ये वाला गाना अच्छा लगा, चल यार करते हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग शौक से कर रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है करना, सो इसलिए ये कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट पता नहीं कौन सा करेंगे। ओके, हमने देखा ये योर सैड सॉन्ग है, जी तो आप इसी तरह के सॉन्ग, सभी सॉन्ग ऐसे ही है, सैड सॉन्ग है या समथिंग डिफरेंट आल्सो? नहीं, अभी जो पाइपलाइन में है, वन इज़ पार्टी नंबर एंड वन इज़ हिंदी रोमांटिक, तो हर तरीके के गाने आपको मिलेंगे, यहाँ पे प्लैटर है, आप लोगों को जो जो अच्छा लगे आप बताइएगा, हम वैसा ज़्यादा करेंगे। ओके, टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, जी अनीता के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, व्हाई यू चोज अनीता टू डू द सॉन्ग विद यू, और कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया, कुछ रियल लाइफ में यू नो रेफरेंस लिया था या कुछ इस तरीके? देखिए इसका पहला आंसर तो ये है जो आप सब लोग जानते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है,
बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, उनका फेस इतना सूदिंग लगता है कि आप वीडियो में देखेंगे तो ऐसा लगता है हाँ देखते ही रहो, इतनी खूबसूरत है। तो वो तो कोई डबल थॉट आता ही नहीं उनको लेने से पहले। एंड साइमल्टेनियसली शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, तो मेरे बहुत क्लोज हैं वो, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके साथ करता हूँ। और गाने के हिसाब से अगर सोचा जाए तो वो हर जैसे अभी कैरेक्टराइजेशन होता है, कास्टिंग जैसे आप बोलते हैं, मैंने ऐसी कोई कास्टिंग की नहीं है, बट फिर भी जो कैरेक्टराइजेशन होता है उसमें शी इज़ एप्ट, जो आप देखेंगे तो इमोशनल वाइज भी शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही कमाल के एक्टर की ज़रूरत थी जो वो कन्वे कर पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ अपने गाने से भी और स्टोरी से। तो शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके लिए ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि हर आदमी यही बोलेगा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वर्ल्ड कप आने वाला है और एक देश में एक अलग ही माहौल होता है जब वर्ल्ड कप आने वाला होता है। तो आई एम ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता नहीं, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे से। बहुत सारे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्रेंड्स हैं मेरी। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो गाने में हमें पार्टी गाना है तो उसके हिसाब से कुछ और होगा, या देखते हैं। कभी कभी तो ऐसे रैंडमली भी चीज़ें होती हैं कि नहीं आज साथ बैठे हुए हैं चल साथ में गाना करते हैं, वैसा भी होता है। सो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, जेन्युइनली यही होता है। कॉल आपके साइड से, यू नो फैंस के लिए डबल ट्रीट है, कल बेपनाह प्यार भी लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा आई लव यू ऑल। आप लोग बहुत सारा मुझे प्यार दे रहे हैं, आपने नागिन में मुझे प्यार दिया, आपने अभी बीच में वो मोस्ट डिज़ायरेबल मैन आया था उसमें आप लोगों ने मुझे नंबर वन पे रखा, अभी मेरा शो आ रहा है बेपनाह प्यार, उसके लिए मैं प्यार चाहता हूँ आपसे बहुत सारा, और ये स्पीड मेरी के लिए। नागिन ऑफ एयर जा रहा है और साथ ही में यू नो रीयूनियन का शूट चल रहा है, सो कितना मज़ा आ रहा है वो शूट करने में, और ऑफ एयर जाने की कितनी दुख है उसके बारे में? बहुत दुख है डेफिनेटली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम जब एक शो कर रहे होते हैं तो एक फैमिली जैसा बन जाता है। एक आपके घर पे तो आप हार्डली, मतलब बीइंग एक्टर, बीइंग टीवी एक्टर, आप घर पे नहीं रहते हो, आप सेट पे ही रहते हो। अब जब आप सेट पे हो तो अब सडनली आपको एक दिन पता चलता है कि यार शो ऑफ एयर जाने वाला है, तो अब हम यहाँ नहीं आएंगे, भले कहीं और जाएंगे या घर पे रहेंगे बट यहाँ नहीं आएंगे, तो वो फीलिंग ही बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत मन ऐसा हो जाता है। तो कुछ दिनों से सेट पे ऐसी माहौल थोड़ा सा सुस्त है, हम सब एक दूसरे को यही बोलते रहते हैं अरे यार ख़त्म होने वाला है, वील मिस यू, वील मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, यही सब कुछ चलता रहता है। आई एम वेरी सैड, क्योंकि कैरेक्टर से भी आप प्यार करने लगते हैं। माहिर से मुझे खुद बहुत प्यार हो गया है, जैसे आप लोग भी थोड़ा बहुत सारा प्यार करते हैं मुझे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए, बट आई एम नॉट हैप्पी कि शो ऑफ एयर जा रहा है, बट डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस यू दैट मैं आता रहूँगा, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा किसी ना किसी कैरेक्टर में या कभी इस तरीके से। फैंस और व्यूअर्स को आज के दिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ टी सीरीज़ के ऑफिशियल पेज पे जाइए, मेरा गाना सुनिए, पहला गाना है। आप सबका बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट दीजिए। जेन्युइनली अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो उसको स्प्रेड कीजिए, लेट्स मेक इट बिग, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग पसंद करें और मैं और बहुत सारे गाने बना पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी अंदर से हेलो हेलो हेलो, हाँ मेरा बच्चा ना मीडिया के काम में, बोलो बोलो बोलो, इस तरफ दो स्टिल्स, सिंगल सोलो, हम लोग
टुगेदर आल्सो नो ना हां भाई एक साथ पहले सोलो ले लीजिए उसके बाद हां साथ में लेते ना एक बार सोलो ले लीजिए कितना हम लोग साथ में चले सोलो लिया चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्ल का फर्स्ट सॉन्ग है और आप भी पिक्चर करने वाले हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने का और थोड़ा सा बताइए कि कैसे मतलब ऑन बोर्ड आए आप दोनों साथ में। वेल आई ट्रूली फील इतने 20 साल से आई बीन इन द टीवी इंडस्ट्री एंड आई डोंट थिंक कि एक एक्टर इज सो वेरी मल्टी टैलेंटेड, यू नो, हु कैन एक्चुअली सिंग and he's a fabulous singer. The minute I heard it, मुझे लगा था कि बहुत ही amazing song है and I was like, I would love to feature in it. So I'm really glad, Pearl, that I'm glad. Pleasure is all mine. She's so beautiful. मैं अभी भी अपना गाना देखता हूँ तो मैं गाना नहीं सुनता, मैं बस इनको ही देखता रहता हूँ। मैं एक्चुअली बहुत नर्वस अभी भी हूँ क्योंकि पहला गाना है डेफिनेटली, जैसा कि आपने कहा, और पहला गाना आपको खुद ही नहीं पता होता क्योंकि जो आपके क्लोज वंस हैं, आपके घर वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो बोलते ही अच्छा सारे बच्चा, छोटा बच्चा थोड़ा हिल भी लेता तो बोलते हैं बड़ा अच्छा डांस करता है हमारा बच्चा, लेकिन आपको नहीं पता होता कि पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगी। तो आई एक्चुअली वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल दैट डू यू रियली लाइक द सॉन्ग। छोटे बच्चे आप बहुत अच्छा गाते हैं। वेल इनिशियली जब हम साथ में शूट करते थे वी यूज टू शेयर द वैनिटी एंड हमेशा इसके वैनिटी से यू नो सोलफुल गानों की आवाज़ें आती थी एंड आई बी लाइक वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाओ एंड देन दिस वन फाइन डे ही वॉज प्लेइंग हिज ओन सॉन्ग एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड अनबिलीवेबल इट्स ब्यूटिफुल एंड देन ही एडिड के ही इज रिटन इट ही इज कम्पोज्ड इट ही इज बेसिकली इट्स हिज बेबी एंड आई वॉज लाइक अमेजिंग यू रियली मल्टी टैलेंटेड एंड यू शुड डू इट and that's how Peed Meri happened and I think it's a wonderful, beautiful, soulful song. Okay, composition mein aapke side se kuch help mil matlab aapne kuch help kiya tha Pearl ko ki kuch mujhe singing ke bare mein kuch nahi pata, main bathroom singer bhi nahi hu lekin help inhone bahut help ki, main batata hu inhone bahut help ki definitely, क्योंकि आप ना कुछ भी करने के वक्त आप अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, शी इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, आप जब भी कुछ करने लगते हो तो आप सामने वाले से डिस्कस करते हैं यार करें क्या, करें कि नहीं करें, यू नीड दैट मोटिवेशन, दैट मोटिवेशन वॉज एंड शी ऑलवेज पुश्ड मी, नहीं नहीं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं एंड ऑल दोज आइडियाज़ जब भी हम कुछ करने लगते थे, चाहे वो अभी अब इस इवेंट से रिलेटेड हो या कहीं पे भी कुछ हो, ऑलवेज कॉल ऐसा कर लें क्या, नहीं ऐसा कर लें क्या, एंड साइमल्टेनियसली अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो शी हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, इतनी ही खूबसूरत लड़की आप, मतलब अगर गाना मुझे अगर किसी को नहीं भी अच्छा लगता तो गाना उनको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि शी इज़ देयर इन इट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी आई फील ब्लेस्ड दैट शी इज़ देयर बिकॉज आप गाने के साथ ना जब भी आप वीडियो देखते हो, कभी आप सिंपली कोई गाना सुनते हो तो एक अलग इम्पैक्ट होता है, वीडियो देखने के बाद वो बहुत ही मुझे अपने गाने का बहुत अच्छा इम्पैक्ट लगने लगा, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। डेफिनेटली ये जो हम कर रहे हैं बेसिकली मुझे काम जैसा नहीं लगता, और अगर हम साथ में कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स मिलके कुछ पिकनिक पे जाते हैं, फ्रेंड्स मिलके ट्रिप करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ये वैसी सी फीलिंग है कि आप फ्रेंड्स मिलके कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, फिर आप उस चीज़ को दुनिया से शेयर करना चाहते हो कि देखो हमने एक अच्छी चीज़ की है,
आपको अच्छी लगती है तो आप बताइए, हम करते रहेंगे। आई मीन एज एन एक्टर तो हम हमारा 100% देते हैं, बट व्हेन योर फ्रेंड्स आई थिंक वर्क बिकम्स ईजियर, मोर कम्फर्टेबल, मोर कम्पैटिबल, एंड दिस इज अ रोमांटिक सॉन्ग, सो आई थिंक इट रियली हेल्प्ड अ लॉट दैट वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। Definitely. और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगेन आई फील ब्लेस्ड बिकॉज शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। आप अब जब देखेंगे गाने को, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको पंजाबी नहीं आती, शी इज़ कन्वेड इट सो वेल, जो स्टोरी है हमारी, जो आई फील कि शी इज़ द ओनली वन हु कैन डू इट, एंड शी इज़ तारीफ ही करता रहूँगा मैं। एंड ऑनेस्टली आई लव रोमांटिक फिल्म्स, आई एम लाइक आई लव रोमांस, आई लव रोमांटिक फिल्म्स, and of course I love romantic songs, and jaise hi maine suna, like you said, kafi time se maine is genre mein nahi kiya, and I was like, you know, but Rohit ke sath ek video kiya tha which was also romantic, but this also to be working with a friend, I think it was amazing, and I'm glad that I'm a part of this song, it's beautiful. Lastly, agar do line background music दिल दिया गल्ला सब तू जाने, फिर क्यों ना जाने पीड़ मेरी। हाँ जी जी, बहुत दर्द हर किसी की ज़िंदगी में होंगे, आई एम श्योर जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, या जो आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में ब्रेकअप ज़रूर हुआ होगा, प्यार भी हुआ होगा, तो जो लोग प्यार करते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक हार्ट ब्रेक होता है, वो ज़रूर इस गाने से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके अनीता, हमने अभी अभी कॉल से पूछा था, आपसे भी जानना चाहेंगे, नागिन जी ऑफ पे जा रहा है, लोग कितना मिस करेंगे। दिस थॉट इज़ ओनली स्केयरिंग मी, क्योंकि हम सब इतने क्लोज हो चुके हैं, इट्स लाइक द बॉन्ड इज to a different level, we are already planning holidays and kaise hum show khatam hone ke baad milne wale, so definitely we are going to miss each other, but then luckily we are all in the same industry, we'll do some new work, great work, and our friendship will carry on further. Okay, legendary actors Shri Devi ji ka gana jo hai usko recreate kiya ja raha hai show mein, aisa sun rahe hain, uske baare mein kuch batana chahenge? I think it's a surprise, to main kuch zyada reveal nahi karna chahungi, so whatever it is I think they'll get to see. Okay, thank you so much. सबसे पहले तो मैं मेलेडी की बात करूँगी। फॉर मी म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट मेलेडी। आप जैसे भी शूट करो, ग्रैंड शूट करो, ऑल दैट इज़ फाइन, बट मेलेडी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो सेल करती है। सो मैंने जब पहली बार ये गाना सुना पर्ल का पीर मेरी, इट रियली टच्ड माय हार्ट। मैंने बोला ये मेलेडी बहुत अच्छी है, तो यू नो आई मीन इट्स गोना गो प्लेसेस, एंड इट्स गोना अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, और स्पेशली जब ये पर्ल एक एक्टर है जिन्होंने सिंगिंग में पहली बार कदम रखा है, और कंपोज भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है, सो एम वेरी वेरी प्राउड बिकॉज पर्ल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी। तो जब मुझे पहली बार पता चला दैट ही इज़ एक्चुअली मेकिंग अ सॉन्ग, मैं बहुत खुश थी। कौन कलर कोऑर्डिनेटर है? पर्ल ने ब्लैक एंड गोल्ड पहना है,
पर्ल ने ब्लैक एंड गोल्ड पहना है. अच्छा ओके, तो देयर इज कोइंसिडेंस. सॉरी नहीं, थीम तो कुछ नहीं है, मे बी रात को जाते हैं तो ब्लैक एंड गोल्ड तो पहनते ही है. सी देयर यू गो ब्लैक एंड गोल्ड अगेन. वेरी वेरी गुड. हाउ डू ड्रिंक? यस ओके करिश्मा, यू नो आल्सो आज पार्टी का पूरा माहौल बना हुआ है, साथ ही मैं नामिन थी कि पूरी कास्ट यहां पर रहेगी. कितना प्रिपेयर्ड करके आई हैं अपने आप को इसमें? प्रिपेयर क्या करना है, नागिन की कास्ट यानी फ्रेंड्स है तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे. आई एम श्योर अनीता ऑलरेडी अंदर है. आई एम श्योर दूसरे जितने भी नागिन के कास्ट है वो सब आने वाले टू सपोर्ट पर्ल. एंड व्हाई विल दे नॉट कम? दे शुड कम. एंड नागिन की यू नो अब अपने एंड पर है तो कितना मिस करेंगी सेट को और कितना मिस करेंगी अपने दोस्तों? मेरा तो ट्रैक एक महीने पहले ही खत्म हो गया था, सो डेफिनेटली आई एम गोना मिस बिकॉज नागिन एक ब्रांड बन गया है और मैं कोई भी शो से अगर कोई भी शो के साथ काम करती हूँ तो मैं अटैच हो जाती हूँ. तो मैं बहुत खुश हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ नागिन. एंड एट द सेम टाइम कुछ ख़त्म होता है तो कुछ शुरू होता है, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ नागिन एंड आई एम अ लिटिल नॉस्टैल्जिक के नागिन ख़त्म भी हो रहा है, बट नेवर माइंड, सीजन 4 भी आने ही वाला है. डेफिनेटली डेफिनेटली वर्क करना चाहूँगी. इनफैक्ट एक गाना है ऑलरेडी जो पर्ल ने मेलोडी बना कर रखी है एंड आई हैव ऑलरेडी सेट बुक्ड माय सॉन्ग. आई एम ये गाना मैं करने वाली हूँ. सो इट विल बी सैड, रोमांटिक और यू नो इट्स गोना बी अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. इट्स गोना बी फन. मैं वेट ही करी थी, क्वेश्चन आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ तो आप बता दीजिए क्या ये सही है या आर यू डेटिंग? वो तो व्हाट आर वी हियर फॉर? But, correct. So I'm here only to talk about the album. We are here for Pearl's, you know, launch. उनका पहला single है जो launch हो रहा है. So obviously थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि मतलब जो news है आप clarification अगर दे देंगे तो. There is no clarification. We are very good friends. Everybody knows. मैंने बहुत news सुनी है about Pearl and I. Frankly मुझे affect नहीं करता है at this stage because जब मुझे पता है कि friendship इतनी strong है and he's such a nice human being. मैं इस पर ज़्यादा जोर डालती ही नहीं. दैट्स द फैक्ट. ओके ये सॉन्ग आई थिंक दे मेकिंग वेरी गुड कपल. मुझे फ्रेंकली अनीता पर्सनली बहुत अच्छी लगती है एंड पर्ल के साथ नागिन में पेयर अप भी हुई है तो मुझे लगा बेस्ट ऑप्शन है अनीता एंड पर्ल. सो नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ नॉट दैट, हर एक्टर के साथ डिफरेंट डिफरेंट हीरोइंस होती है तो क्या जस्टिफिकेशन सबको थोड़ी ना हम देने बैठने वाले. सो आई थिंक पर्ल के साथ अनीता भी अच्छी लग रही है, पर्ल के साथ मैं भी अच्छी लगती हूँ और अगर और कोई हीरोइन होगी तो वो भी अच्छी लगेगी. इसके अलावा वर्ल्ड कप आने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड. आई माइट गो फॉर द लंदन इंडिया पाकिस्तान मैच. आई एम दैट एक्साइटेड. ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू विश द एंटायर इंडियन टीम ऑल द बेस्ट. जैसे IPL जीत कर आए हो वैसे मुंबई जीत कर आया है, प्लीज इंडिया 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 जीत कर आना. तो आपको लगता है? हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो. क्या पूछ रहे थे आपको क्या लगता है? ओके ये टाइटल जो है पीर मेरी, इससे कितना जल्दी कितना सहमत है आप अपने मेरी लाइफ? आप लोग कितना कितना कतलो कितना इवो. आप लोग कितना सच बताते ही नहीं. मैं सच ही तो बता रही हूँ. ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. एंड पीर मेरी जो है वो उसकी पीड़ा है जिसके बारे में वो बात. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. You guys are too funny. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Yes, bro. हाँ भाई. सेंटर में सेंटर में पूछेंगे कौन? रोलिंग
Yeah, I'm very, you know, Pearl genuinely is a very sweet guy. मुझे personally बहुत पसंद है and उसे singing का बहुत time से शौक था, मुझे बताता था and I'm very glad he's come out with an album. He's very talented and मैं इतना बुरा गाता हूँ, जब कोई अच्छा गाता है तो अच्छा लगता है. नहीं मैं जानता हूँ सिंगिंग का शौक है, इंस्टा में हमेशा लिप सिंक करता रहता है एंड आई नो ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. सो जब से मैं उसे जानता हूँ आई नो दैट ही वांटेड टू सिंग. अच्छी अच्छी यार क्या बोलूँ, आई नो देम पर्सनली वेरी वेल तो मैं क्या बोलूँ, दोनों अच्छे लग रहे, दोनों बहुत अच्छे लग रहे साथ में. दोनों आई थिंक साथ में शो भी करते ना नागिन, सो दे हैव दैट पर्सनल इक्वेशन टू दैट शोज ऑन स्क्रीन. जी जी ऑफकोर्स यू वॉन्ट डू समथिंग डिफरेंट ना, डेली शोज कर करके यू वॉन्ट डू समथिंग एल्स. सो एंड एल्बम से ज़्यादा सिंगर खुद है तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग. जी हाँ नहीं इट्स एक्चुअली ऑफ वाइट एक ब्रांड है तो वाइट पता नहीं कहीं और लिखा होगा बट ये ऑफ वाइट ब्रांड है. जी यार टीम इंडिया एक्चुअली दो टीम्स जा सकते हैं, हमारे पास इतने अच्छा टैलेंट है तो विश देम ऑल द बेस्ट. आई थिंक सेमीफाइनल्स तो है, उसके बाद असली कंपटीशन तो उसके बाद शुरू होगा. थैंक यू गाइस, थैंक यू. हाँ भाई एक मिनट. जूते भी लेना, जूते भी अच्छे हैं मेरे. मैंने गाना सुन लिया है, मैंने वीडियो भी देख लिया है एंड आई थिंक इट्स लुकिंग फैब और गाना बहुत ही प्यारा है. अगर आप एक बार सुनते हैं सो यू कांट स्टॉप हमिंग इट. मैं जब से मैंने सुना है मैं भी ऐसे गुनगुना रही हूँ. प्लीज़ मुझसे मत कहना कि गा के सुनाओ बट एंड एज द पोस्टर ऑल्सो आई थिंक इट्स लुकिंग देयर केमिस्ट्री सो अमेजिंग, दे बोथ आर लुकिंग सो गुड. सो आई रियली होप दिस सॉन्ग डज ग्रेट एंड आई विश पर्ल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज न्यू सिंगल एंड आई होप बहुत सारे गाने वो गाए, बहुत सारे वीडियोज और बनाए और हम सबको ऐसे ही उसके गाने सुनने को मिलते रहे. जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पर्ल के साथ. हम लोगों ने प्रोमो शूट किया है और ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने इतनी कोई बातचीत नहीं की है, इतना सारा शूट नहीं किया है बट आई थिंक एक तो वो और मैं सेम शहर से हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. वी बॉन्डेड लाइक दैट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट वी बोथ बिलोंग टू द सेम सिटी. तो आपका एक इंस्टेंट कनेक्शन आपको फील होने लगता है एंड आई थिंक पॉल इज़ अ वेरी नाइस गुड हार्टेड पर्सन. बाकी इट्स अ जर्नी, जैसे जैसे मैं उसके साथ शूट करूँगी आई डोंट नो. मेरे पास पहुंच चुकी थी बात कि क्योंकि पर्ल उस दिन डिस्कस कर रहा था दैट हिज़ न्यू सिंगल ही इज़ गोइंग टू रिलीज़, तो मुझे पता था एंड प्लस आई रियली एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक माई सेल्फ. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड देन उसका गाना मैंने आज सुना एंड आई थिंक इट्स इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर हिम, ही इज़ शाइनिंग एंड आई वॉन्ट कि उसका ये वक्त चलता रहे. नागिन ही नागिन डिड सो गुड प्लस मोस्ट डिज़ायरेबल मैन, ही हैज़ टॉप द लिस्ट एंड नाउ हिज न्यू शो इज़ कमिंग, हिज न्यू सिंगल इज़ कमिंग. सो आई विश हिम ऑल द लव एंड लक. Okay, after that, you're not talking about your
प्रेशर नहीं लेती, मैं प्रेशर बिल्कुल लेने वालों में से नहीं हूँ. ऑफ़ कोर्स हर शो की अपनी अलग डेस्टिनी होती है, अलग एक्टर्स होते हैं, स्टोरी अलग है. सो जैसे कि उस शो को बेपना मोहब्बत मिली होगी, वैसे ही हमारा शो अलग है. एंड आई नो कि ऑडियंस इज़ रियली लाइकिंग आवर प्रोमो, एंड हम लोग के फैंस इस शो को भी उतना ही प्यार देंगे. बेपना प्यार देते रहिए, दैट्स द मंत्र ऑफ लाइफ. सो आई डोंट बिलीव इन प्रेशर एंड एनी नेगेटिविटी. आई एम लाइक चिल्ड आउट. मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है. मुझे लगता है यार हम लोग को एक ही लाइफ मिली है, तो अगर आपको लगता है आपका आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, आप में कुछ टैलेंट है, सो व्हाई नॉट, वी हैव द प्लेटफॉर्म दीज डेज. और आजकल तो सब हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, सो व्हाई नॉट मेक यूज़ ऑफ इट. एंड अगर सच में लोगों को जो भी करना पसंद है उनको करना चाहिए, नॉट इवन एक्टर्स. लाइक जनरली मैं सबसे लाइफ में यही कहती हूँ, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू शुड ऑलवेज ऑलवेज गिव इट अ ट्राई, ताकि आपको कभी जाके ऐसा ना लगे कि ट्राई कर सकता था और किया नहीं. सो इट्स अमेजिंग. एंड आई थिंक पॉल की आवाज़ बहुत अच्छी है, एंड दिस सॉन्ग दैट ही हैज़ मेड, मुझे पता है कि अभी वो आगे और गाने भी लाएगा. एंड आई रियली होप कि इस फील्ड में भी वो उतना ही अच्छा करे जितना हम सबको उसकी एक्टिंग पसंद आती है. वी रियली लाइक हिम एज अ सिंगर ऑल्सो. आई पर्सनली लव्ड इट. ओह, ही इज़ फाइंडिंग मी हॉट. बिंदास, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. मैं क्या बोलूँ, ऐसे ही है, मैंने कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं किया. इट्स एफर्टलेस. यार मैं तो सीधा कार से उतरी और आप लोगों ने मुझे ग्रैब कर लिया, तो मैंने अभी मैं किसी से भी मिली नहीं हूँ. बट अगर आप बोल रहे हैं, सो आई थिंक ब्लैक इज़ अ कलर जो सब पर फिट होता है, आप किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं. एंड ऑल्सो ब्लैक मेक्स एवरी वन लुक्स थिन, तो मैं तो इसीलिए पहनती हूँ ताकि मैं पतली लगूँ. हाँ यार, क्या विश करूँगी वर्ल्ड कप में, मैं चाहती हूँ कि टीम इंडिया ही जीते. एंड इट्स ऑलवेज हम लोग तो क्रिकेट के फैंस हैं, वी लव क्रिकेट एज इंडियंस, एंड आई पर्सनली आई लव क्रिकेट. तो मैं यही चाहती हूँ कि इस बार भी वर्ल्ड कप हमारा ही हो, वी शुड गेट द कप टू आवर कंट्री. थैंक यू सो मच. बाय गाइस, थैंक यू.